वो इस हमले में शहीद हुए। बहुत सदमा है, पूरे देशवासियों को बड़ा सदमा है, क्योंकि ये जो तीन ऑफिसर्स थे बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर्स थे, और आज इस हालत में उनका शहीद होना ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। जैसे कि हिमायूं भट्ट साहब है, आशीष जी है, मनप्रीत जी हैं, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर्स थे। और अभी भी मैं कहना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पाकिस्तान अभी भी रास नहीं आ रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ लोग खुश हसलूबी से अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे थे, बट आज का ये हादसा जो हुआ ये दिखलाता है कि पाकिस्तान को अभी रास नहीं आ रहा है। मैं आपकी वसात से नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूँगा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत हो रही है ताकि हमारे देश में अमन हो। जैसे मैं हिमायूं भट्ट साहब की बात करूँ, इनके वालिद ने, गुलाम हुसैन भट्ट ने देश के लिए अपना योगदान दिया है, आज ही रिटायर हुए हैं, और आज पूरा जम्मू कश्मीर के 1,40,000 लोग जो है रो रहे हैं, क्या बिगाड़ा था इसने। और अमित शाह जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके देख लीजिए कहीं सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ दहशतगर्द घूम रहे हैं, और फौज पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, पुलिस पे हमें बड़ा यकीन होना चाहिए, और ताकत वो रखते हैं कि उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बट आज जम्मू कश्मीर के आवाम इनसे गुजारिश करती है, तमाम एजेंसियों से, कि ये जो इन तीन शहीदों के जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि हम सबको खुशी मिले। आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत ना हो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान के साथ हम क्यों बात करें, ये तो SKICC श्रीनगर में हमारे ताकतवर होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, हमें पाकिस्तान से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन नेताओं को कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करिए, आप OGWs को हवा मत दे दीजिए। अभी यहाँ पे हमारे नौजवान तरक्की करने लगे हैं, यहाँ डेवलपमेंट होने लगी है, यहाँ अमन है, पीस है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद आप बताइए कहाँ गए वो हड़ताल इनके, कहाँ गए वो कर्फ्यू, कहाँ गई वो क्रॉस फायरिंग, कहाँ गए जो हमारे नौजवान क्रॉस फायरिंग में मरते थे, कहाँ गए वो स्टोन पेंटर्स। यहाँ हालात ठीक होने लगे हैं, तो ये जो लोग ऐसे बयान देते हैं इनको अब इन बयानों से बाज आना चाहिए। लेकिन आप तो कहते थे कि कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो ज़ीरो पे पहुँच चुकी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा नहीं। आप देखिए, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आप हमारे डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं, आप भी जानते हैं कि मिलिटेंसी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, मिलिटेंसी कुछ हद तक ख़त्म हो गई है। अलबत्ता अभी भी कुछ ताकतें हैं जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ काम कर रही है, तो उनको भी देखा जाएगा। हमारी एजेंसियाँ जो है बड़ी सक्षम है।